मुझे लड़ना है नहीं लड़ना है, पार्टी निर्णय करेगी। पार्टी लड़ो कहेगी तो मैं लड़ूंगा, पार्टी लड़ाओ कहेगी तो लड़ाऊंगा, और मेरी प्रेफरेंस लड़ाना है। हमारे साथ इस समय पूर्व उत्तराखंड के मुख्यमंत्री और कांग्रेस पार्टी के कैंपेन कमेटी के हेड उत्तराखंड में हरीश रावत जी। सर, आप दिल्ली पहुंचे हैं और कल एक खबर आई कि आपके जो एक प्रेडिसेसर है किशोर उपाध्याय, उसके ऊपर उनके ऊपर पार्टी ने डिसिप्लिनरी एक्शन ले लिया है, और सुना है कि वो उनके ऊपर जो इल्जाम है वो ये है कि वो बीजेपी के साथ हॉबनॉब कर रहे थे। पहले तो आपकी प्रतिक्रिया। मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहूंगा। तो इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश की बात की जाए, वहां पर पहली लिस्ट अभी अनाउंस कर दी गई है, 40% महिलाओं को टिकट दी गई है। आप भी जो स्क्रीनिंग कमेटी के हेड है, युवाओं और महिलाओं के टिकट दे, कैसे मिलेगी टिकट उत्तराखंड में? हम दोनों में समन्वय रख रहे हैं, और जहां भी हमारी बहनें कुछ अच्छा जीतने की संभावना में या टक्कर देने की संभावना में भी होंगी, वहाँ जो है पार्टी का फैसला महिला के पक्ष में। यूपी में जो है हम देख रहे हैं कि दल बदल शुरू हो गया है, भगदड़ सी मच गई है पार्टियों में, उत्तराखंड में भी कुछ आपको लग रहा है कि बहुत सारे लोग आपके संपर्क में? सुना है भाजपा में तो उत्तराखंड में और जबरदस्त भगदड़ है, वो तो मैं खाली डंडा लेकर के बैठा हुआ हूँ। क्या करें, हमारे लोगों ने भी 5 साल इस लायक बनाया है कि पार्टी आज जो है चुनाव जीतने की स्थिति में है। अब उन लोगों से ये तो कह नहीं सकता कि ये दूसरे जगह से मेहमान आ रहे हैं, भैया इनके लिए जगह खाली करो, तो इसलिए हमको डंडा लेकर के रोकना पड़ा है। नहीं 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 भाई, बहुत हो गया। मतलब काफी लोग आपके टच में बीजेपी के? बीजेपी में आंतरिक, देखिए आप जब बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं और उसके एवज में कुछ होता हुआ नहीं दिखाई देती है, आज उत्तराखंड में जनता सवालिया बन करके विधायकों के सामने खड़ी है, और वो विधायक साफ तौर पर समझ रहे हैं कि हम कुछ कर नहीं पाएंगे और चुनाव में जनता हमको प्रताड़ित करेगी, इसलिए जिसको जो दरबा मिल रहा है वो भाग जाना चाह रहा है, निकल जाना चाह रहा है। तो आप कह रहे हैं कि बीजेपी के सब कितने नेता आप लोगों के टच में, और क्या बड़े बड़े नेता भी टच में, क्या मंत्री लेवल के भी है? मैं ये तो जग जाहिर है, उत्तराखंड में सब जानते हैं कि कौन मंत्री जो है होल्डऑल बांध करके तैयार है कि कब सिग्नल मिले तो मैं कांग्रेस में जाऊं, कौन विधायक तैयार है, ये तो आम चर्चा की बातें हैं। आपके लोगों ने बताया होगा, आपने डंडा लेके रखा हुआ है तो टिकट से मतलब हो सकता है एकाध मामले में डंडे को जरा सा बगल में रख दें, लेकिन वैसे अभी हाथ में है नहीं, तो कांग्रेस के कार्यकर्ता साथी मुझको डंडा मारेंगे। सर, खबर ये भी आ रही है कि हो सकता है कि आप इस बार चुनाव ना लड़े, ये इसमें कितनी सच्चाई है, क्योंकि खबरें ये उत्तर देहरादून से आ रही है? मुझे लड़ना है नहीं लड़ना है, पार्टी निर्णय करेगी। पार्टी लड़ो कहेगी तो मैं लड़ूंगा, पार्टी लड़ाओ कहेगी तो लड़ाऊंगा, और मेरी प्रेफरेंस लड़ाना है। कारण यह है, हमको जीतना है चुनाव। हमारे पास कम्पेन करने वाले लोगों की कमी है, जो कम्पेन कर सके। एक तरफ सत्ता का सातवां बेड़ा आता है, और दूसरी तरफ जो है हमारे पास राहुल जी हैं, 5 राज्य हैं, कहाँ जाएंगे, प्रियंका जी उत्तर प्रदेश में डीपली इन्वॉल्व्ड हैं, तो ऐसी स्थिति के अंदर जो है तो कोई तो चाहिए, लोकल कनेक्ट वहां बनाने की स्थिति में केवल मैं हूँ। तो इसलिए यदि पार्टी कहेगी नहीं तुम्हारी सेवाएं ऐसे उपयोग करनी है, हमने पार्टी ने बहुत बना लिया, कोई चुनाव लड़ना ही हमारी नियति थोड़ी है, पार्टी चुनाव जीत जाए ये सबसे बड़ी बात है। आप इशारे इशारे में बहुत बड़ी बात कर रहे हैं कि लड़ने से ज्यादा आपका मन लड़वाने में इस बारी है, तो मतलब इतना लंबा राजनीतिक आपका करियर रहा है और आज पहली बारी मैंने आपके जो है मुंह से ये बात सुनी कि अब की बारी लड़वाने की है मेरी बारी। हाँ, मन तो ये कहता है फिर, लेकिन क्योंकि पार्टी के प्रति हम कुछ हमारा दायित्व भी है, पार्टी ने बनाया है तो उसके प्रति हमारा कर्तव्य है, लेकिन अब बाकी जो पार्टी लीडरशिप का हुक्म होगा मैं इस पचड़े में ज्यादा पड़ता नहीं।